हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि आपको और मेरे को नहीं पता है कि दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ में विलन कौन होने वाला है, लेकिन रिसेंटली एक लीक इमेज सामने आई है। तो जैसे कि आप लोग ये लीक साइड इमेज देख सकते हो, तो ये लीक साइड इमेज देख के हमें कुछ ज़्यादा तो पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये टकले ने जो जैकेट पहना है उसके पीछे जो प्रिंट है, यानी कि जो रेड कलर का प्रिंट है, उसे आप जूम करके देखोगे, मतलब यूट्यूब पे तो जूम नहीं होगा, इंस्टाग्राम वगैरह में मैंने डाला होगा, तो वहाँ से जूम करके अगर देखोगे तो हमें विलन के बारे में हिंट मिलती है। तो विलन हो सकता है दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के सीरीज़ में ओगन या फिर आयरन नेल। ज़्यादातर चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ओगन विलन होगा दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के सीरीज़ का। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये लीक सेट इमेज अभी की नहीं है, ये फैब के टाइम की। ये अभी सामने इसलिए आई है क्योंकि ये लीक सेट इमेज जिसके पास था उसने एक बंदे को दिया, फिर उस बंदे ने अपलोड किया और ये सब बताया। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जैसे कि मैंने विलन के बारे में कहा, ओगन या फिर आयरन नेल हो सकता है दी फैल्कन दी विंटर सोल्जर सीरीज़ का विलन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन हो सकता है दी फैल्कन दी विंटर सोल्जर सीरीज़ का विलन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।